नमस्कार, मैं हूँ अमित कटोच। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हों। तो आज इस टॉपिक को हम बिल्कुल इजी तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। आपको क्या है, उन ट्रिक्स को अपने माइंड में, ध्यान में रखना है। तो कौन सी ट्रिक्स हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं, मैंने एक फर्स्ट, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो नंबर्स के ऊपर ही थी। मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर, जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। जिनको नंबर्स के बारे में पता नहीं है वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नंबर्स कौन कौन से, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर्स, ये क्या होते हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे हिंदी में सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये कौन सी हैं ये पता होना चाहिए। तो इनसे भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से, हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज, आगे की तरफ बढ़ना। आगे की तरफ किस तरीके से, इसमें मैंने क्या लिखा है, प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वेयर और क्यूब। जब सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो वहाँ पे इन जनरल क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, स्क्वेयर होता है और क्यूब होता है। कब कब होता है, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है। जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो वहाँ पे इन जनरल प्लस होता है, और जब सीरीज थोड़ा जल्दी फास्ट से बढ़ने लगती है तो वहाँ पे इन जनरल मल्टीप्लाई होता है, और जब सीरीज एकदम से फास्ट तरीके से बढ़ने लगती है तो वहाँ पे स्क्वेयर और क्यूब होते हैं। किस तरीके से, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बाकी क्वेश्चन जो है हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा 4, 6, 10, 14, तो देखो ये सीरीज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और जब सीरीज थोड़ा जल्दी फास्ट तरीके से बढ़ने लगती है, जैसे मैं लिख रहा हूं 2, 10, ठीक है, फिर मान लो मैंने लिख ली यहां पर 20, तो फास्ट तरीके से बढ़ रही है सीरीज, ठीक है। तो और जब, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्वेयर, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखा 6, इस तरीके से सीरीज जो है इंक्रीज कर रही है। स्क्वेयर और क्यूब आपको जो है कम से कम, स्क्वेयर जो है आपको कम से कम 25 तक याद करने हैं, बट 25 तक ना हो तो 20 तक तो आपको मिनिमम करने ही हैं अगर आपको सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अगर मैं आपको स्क्वेयर निकालने की ट्रिक बताऊंगा तो तब भी टाइम लगता है, बट ये जो है आपको मैथ्स में भी देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है, आपको 20-25 तक जो है स्क्वेयर जो है आपको आने चाहिए, और कम से कम जो क्यूब हैं आपको 10-12 तक जो है आने चाहिए। तो इस तरीके से जो है सीरीज जो है इंक्रीज करती है, और डिक्रीज किस तरीके से करती है, जब कोई सीरीज है हमारे पास, जैसे वो धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ रही है वैसे इस तरीके से जब पीछे की तरफ रिवर्स होने लगती है तो वहाँ पे इन जनरल क्या होता है, वहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। और जब सीरीज मान लो जैसे बड़ा नंबर है एकदम से पीछे रिवर्स होता है, फिर उससे रिवर्स होता है, तो वहाँ पे इन जनरल डिवाइड होता है। तो आपको क्या है, सीरीज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई ये आपके माइंड में होनी चाहिए। जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है, क्योंकि नंबर सीरीज को सॉल्व करने का यही जो है बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 माइनस 19, 32 से जब माइनस कम, जब 32 में से 19 माइनस हुए तो कितने बचे, माइनस के 13, ठीक है। 19 माइनस 8 कितने बचे, माइनस के 11, और नेक्स्ट कितना बचना चाहिए, माइनस के 9, ठीक है।
तो देखेंगे ऑप्शन में, आप देखो 8 प्लस के हैं और माइनस के, 9 तो कितने बचे, माइनस वन। क्या माइनस वन ऑप्शन में है? माइनस वन तो ऑप्शन में है नहीं, वन है हमारे पास। तो क्या ये सीरीज ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे माइनस 13 बचे, यहाँ पे माइनस 11, तो क्या यहाँ पे माइनस 7 करके देखें, क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज तो बन रही है। अगर यहाँ पे माइनस 7 होता तो प्राइम नंबर की सीरीज तो बन रही है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको जो है वो नंबर्स जो हैं वो भी आपको माइंड में होने चाहिए। तो 8 माइनस 7 कितने बचे, 1। तो 1 है यहाँ पे ऑप्शन में, 1 है। तो हमारा आंसर क्या बना, 1। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 1, 2, 6, 15, 31 और नेक्स्ट टर्म अपना फाइंड करनी है। अब देखो सीरीज क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है, मीन्स कुछ ना कुछ प्लस हुआ है। अब देखो 1 और 2 के बीच में गैप कितना है, 1 का प्लस 1 का, ठीक है। ये बढ़ रही है तो कितनी, यहाँ पे कितने का गैप है, +4 का। यहाँ पे 6 और 15 के बीच में +9 का, और यहाँ पे 16 का। स्क्वेयर देखो, ये 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर, इनके बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं स्क्वेयर का गैप है। तो नेक्स्ट जो गैप क्या होगा, 25 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 31 प्लस 25 56। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, 56। आपको क्या है, वीडियो पॉज करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको जो है वीडियो पॉज करके जो है इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है 1, 8, 9 क्वेश्चन मार्क, 25, 216 और 49। अब इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिड टर्म फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट 1, 8, 9 क्वेश्चन मार्क, 25, 216 और 49। कहीं ना कहीं गैप जो है यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ पे काफ़ी कम हो गया। तो इस सीरीज में कुछ मिक्स टर्म है ना, तो कहीं ना कहीं इस सीरीज को देखने से हमें लग रहा है कि जैसे जितने भी नंबर हैं कहीं ना कहीं किसी के स्क्वेयर या फिर क्यूब हैं, किसी के वर्ग या फिर घन हैं। किस तरीके से 49 देखेंगे, लास्ट देखते हैं, 49 7 का स्क्वेयर है, 216 ये भी क्यूब है 6 का, और 25 ये भी 5 का स्क्वेयर है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे या फिर कुछ स्क्वेयर होगा या फिर कुछ ना कुछ क्यूब होगा। 9 भी स्क्वेयर है 3 का, और 8 ये क्यूब होता है 1 का, और यहाँ पे क्या है, 8 जो है क्यूब होता है 2 का, और यहाँ पे क्या है 1 को आप स्क्वेयर भी ले सकते हैं और क्यूब भी ले सकते हैं। तो देखेंगे लास्ट से देखा तो क्या बना, 7 का स्क्वेयर यहाँ पे, 6 का क्यूब यहाँ पे, 5 का स्क्वेयर यहाँ पे, कुछ ना कुछ स्क्वेयर या क्यूब बनेगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 यहाँ पे 3, मीन्स यहाँ पे स्क्वेयर क्यूब हो सकता है। तो किसका, 4 का क्यूब यहाँ पे, 3 का स्क्वेयर है, और ये 2 का क्यूब है, और इसको क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वेयर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सीरीज बन रही है हमारी। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 64। तो आंसर क्या बना हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखेंगे आप कि एकदम से जो है ये माइनस हो रहा है, मींस डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है, एकदम से, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब सीरीज एकदम से माइनस डिक्रीज होती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे डिवाइड होता है या फिर माइनस होता है। जब सीरीज धीरे धीरे बैक की तरफ जाती है, ठीक है, डिक्रीज होती है, तो क्या होता है, माइनस होता है। बट जब सीरीज एकदम से डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं, जब मैंने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या ये बन रहा है, 6, 4, 1 कैरी किया, ये चीज़ बन रही है। जब मैंने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या बन रहा है, 6, 4, 8 बन रहा है, बन रहा है। एक बार इसको 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 भी हम 2 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। जब हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या बना,
3, 2, 4 बन रहा है यहाँ पे नेक्स्ट में, नहीं बन रहा है तो मीन्स यहाँ पे 2 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 3 के साथ डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे हमने 2 के साथ डिवाइड किया था, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या ये 216 बन रहा है। जब हम 3 के साथ डिवाइड किया तो क्या यहाँ पे 216 जब हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 216 बन रहा है। मीन्स यहाँ पे 216 जो है यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड करने से बन रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या नेक्स्ट रिलेशन क्या स्क्वेयर का डिवाइड 2 का तो नहीं है, हम चेक करेंगे। जब हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या क्या बन रहा है 108, क्या ऑप्शन 108 है? हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में 100 जो आंसर है उसमें जो 108 जो है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या आगे नेक्स्ट जो है ये सीरीज आगे कंटिन्यू कर रही है तो आगे क्या होगा, इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 3 के साथ। जब 3 के साथ डिवाइड किया तो 36 बन रहा है, जब डिवाइड करेंगे तो 36 बन रहा है। जब जब इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18 बन रहा है, बन रहा है ठीक है। इसको 3 के साथ डिवाइड किया तो 6 बन रहा है, बन रहा है। इसको करेंगे 2 के साथ तो 3 जो है बन रहा है। मीन्स ये सीरीज तरीके से चल रही है। तो क्या आंसर बना हमारा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। इस सीरीज में आपको फाइंड करना है कि कौन सी टर्म जो है वो रॉन्ग है, विच वन इज ऑड, कि कौन सी टर्म जो है ऑड है, कौन सी रॉन्ग है। तो ऑप्शन भी साथ में दिए हैं। फर्स्ट देखेंगे टर्म जो है, ये सीरीज जो है आगे की तरफ बढ़ रही है ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं। इनके बीच में गैप कितना है +4 का, इनके बीच +14 का, यहाँ पे +4 का, यहाँ पे 32 का, यहाँ पे +4, 32, +4, 32 करके चल रही है सीरीज ये वाली। नेक्स्ट कितना है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए ठीक है। तो 68 2 से कितना होता है, यहाँ पे गैप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 14 का गैप है, यहाँ 32 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए 68 का गैप होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 68 का गैप होना चाहिए, 60, 120 और 16, 136 में यहाँ पे कितना होना चाहिए था 136 होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना है 132। तो कौन सा रॉन्ग हुआ ये लास्ट वन, कौन सा आंसर हुआ हमारा लास्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, 72, 90, 110, 130, 156। इसमें भी आपने क्या करना है, जो रॉन्ग टर्म है उसको फाइंड करना है। पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर आंसर फिर अपना आंसर जो है मैच करेंगे। देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप 16 का, यहाँ पे 18 का, यहाँ पे +20 का, यहाँ पे +20 बन रहा है। मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ा है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 22, चेक करके देखें, अगर 22 होता तो कितना होना चाहिए था 132, यहाँ पे 132 होना चाहिए था, 132 में कितना प्लस करें 22 और प्लस कितना होना था 24, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 132 +24 कितना बन रहा है 156। मीन्स कौन सा रॉन्ग हुआ 130, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 132 ठीक है। इस तरीके से जो है हम सीरीज को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, 25, 51, 101, 203 और यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, तो जल्दी से करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट 13 यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, डबल से एक कम है, यहाँ पे डबल से एक ज़्यादा है, यहाँ पे डबल से एक कम है। यहाँ देखने से लग रहा है पता कि सीरीज में कुछ ना कुछ प्लस है और कुछ ना कुछ माइनस है। यहाँ पे डबल कितना होता है इसका 102 होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़्यादा है। तो देखो कैसे किस तरीके से हुआ ये मल्टीप्लाई बाई 2 -1 25 बन रहा है 13 2s
क्योंकि अब देखो अगर हम स्क्वेयर सोचते क्यूब सोचते तो यहाँ पे कुछ है नहीं वैसा, है ना। और ओड इवन देखेंगे तो मैक्सिमम सभी ओड ही हैं, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पे, यही सीरीज बन रही है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 51 बन रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 50, और 1 प्लस किया तो 51। नेक्स्ट कि सेम ये वाला बन रहा है, ये सीरीज चल रही है 2 के साथ मल्टीप्लाई और माइनस 1, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 102 और माइनस 1 किया 101। नेक्स्ट देखो अब सेम वैसा बन रहा है पैटर्न 2 और 1, ठीक सेम पैटर्न बन रहा है। अब जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 किया तो कितना बना 203। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 तो कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या बना, साथ में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, माइनस किया कितना बना, ऐसा आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो 25, 27, 22, 30, 19, 34, 16 और लास्ट अपने टर्म जो है फाइंड करनी। अब देखो ये टर्म जो है मिक्स है, पहले कहीं प्लस हो रही है फिर माइनस हो रही है, प्लस हो रही है माइनस हो रही है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ ना कुछ रिलेशन जो है फर्स्ट का या थर्ड के साथ होगा, सेकंड का फोर्थ के साथ होगा, इस तरीके से जो रिलेशन भी चलते हैं सीरीज में, जब छोटी बड़ी टर्म हो तो फर्स्ट सेकंड के साथ भी रिलेशन हो सकता है। तो जब इस तरीके की आपको सीरीज मिले तो आपने क्या चेक करना है, फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ भी आपने चेक करना है, ठीक है। तो 25 को इसके साथ रिलेशन देखो 27, 30, 34 क्या है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ से कितना प्लस हुआ, प्लस 2 तो जमा हुए, यहाँ से प्लस 3, यहाँ पे प्लस 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था प्लस 5, तो मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए 39। बट अभी हमने तो सिर्फ यही सीरीज चेक करी, आप नेक्स्ट भी देख लो कि ये रिलेशन भी बन रहे हैं कुछ, यहाँ से 25 और माइनस 22 कितना बन रहा है माइनस 3, के 3 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी सेम ही गैप है यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे ये माइनस, ये सेम ही गैप है, तो क्या होगा यहाँ पे 39। और अगर यहीं पे यही सीरीज कंटिन्यू करनी होती तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 13, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आपने जो है क्या है वो सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना है। आपको जो है ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे इनके आंसर कमेंट करने हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।